हमारा YouTube चैनल। तो फ्रेंड्स, करवा चौथ जा चुका है और अब आने वाली है दीपावली। दीपावली में आप सभी लोग अपने घर को बहुत अच्छे से क्लीन कर रहे होंगे, साफ सफाई कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि साफ सुथरे घर में ही लक्ष्मी का वास होता है। जी हाँ, लक्ष्मी जी वहीं आती हैं जिसका घर बहुत ज़्यादा साफ सुथरा और सुंदर सा एकदम लोग सजा के रखते हैं। चाहे वो घर छोटा हो या बड़ा हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका घर बहुत बड़ा होना चाहिए तो ही लक्ष्मी जी आपके घर आएंगी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बस आपको अपने घर को बहुत सुंदर साफ सुथरा सजा के रखना है, एकदम सफाई रखनी है। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपने घर को साफ सुथरा बना सकते हैं, जिससे आपके घर में भी लक्ष्मी जी का वास होगा। तो चलिए फिर जल्दी से देख लेते हैं कि वो कौन कौन से टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप भी अपने घर में लक्ष्मी जी का वास कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिवाली आने वाली है। दिवाली इस बार है 27th of October को। उसके दो दिन पहले होता है धनतेरस। तो आपको अपने घर को धनतेरस से पहले बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लेना है कि धनतेरस से ही सारे जो दिवाली के सेलिब्रेशंस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए आपको धनतेरस तक अपने घर को बिल्कुल साफ सुथरा कर लेना है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ये है कि आपको अपने घर में सफाई करने से पहले सबसे पहले झाड़ू लेना है और अपने घर में जितने भी जाले हैं वो सारे जालों को साफ कर देना है। वैसे भी जाले सभी लोग साफ करते रहते हैं, लेकिन जो दिवाली की सफाई होती है ना, वो दिवाली की ही सफाई होती है। तो बस आपको क्या करना है, झाड़ू लेना है और अपने घर के कोने कोनों का जाला हटा मारना है, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो किचन हो या फिर आपकी वार्डरोब के आसपास के कोने हों। तो सबसे पहले आप अपने घरों के जालों को बिल्कुल दूर कर दीजिए। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है वो है आपकी वार्डरोब। आपकी वार्डरोब के जितने भी कपड़े हैं वो सब बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद आपको जो कपड़े यूज़ नहीं होते हैं उन कपड़ों को आप साइड रख दीजिए और जितने आपके अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं, उनको आप अपनी अलमीरा में सेट करके लगा दीजिए। अभी से ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो आपको दिवाली आते आते बहुत से काम बढ़ जाएंगे और फिर आपको ये काम रह जाएगा। तो आपके जो एक्स्ट्रा कपड़े निकलते हैं उन्हें आप किसी को दान दे दीजिए, उन्हें फेंकिए मत, उन्हें किसी को दान दे दीजिए। वो कपड़े भी किसी के यूज़ हो जाएंगे और क्योंकि वो आपके यूज़ नहीं आ रहे हैं तो अगले की दिवाली भी अच्छी बन जाएगी और आपकी दिवाली में आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो आपको अपने घर में पुराने फटे कपड़े निकालने हैं, चाहे वो आपके हों, आपके हस्बैंड के हों या आपके बच्चे के हों, आपको उन्हें निकाल करके अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज करना होगा सही तरीके से। और ऐसा नहीं है कि आपने आज कर दिया और उसको छोड़ दिया करके, आप उसको मेंटेन रखिए। आप सामान निकालिए, उसके बाद फिर ठीक से रख दीजिए, फिर निकालिए, फिर ठीक से रख दीजिए। ऐसा करने से आपकी जो अलमीरा है वो बिल्कुल भी बिगड़ेगी नहीं और ऑर्गेनाइज तरीके से ही रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपके किचन की जो दीवारें फर्श होती है उसमें जो चिपचिपा सा एक कुछ स्टिकी सा हो जाता है उसको भी आपको दूर करना है। ये पार्ट अक्सर रह जाता है, तो आपको क्या करना है कि स्कॉच ब्राइट लेना है जिससे कि आप बर्तन रगड़ते हैं और उसमें आपको सर्फ लगाना है या सोप लगाना है और अपने ज़मीन के कोने कोने में, वो मंदिर के एरियो में भी हो जाता है और जहाँ पर घी चिकनाई वाला काम होता है, किचन की टाइल्स होती है उन्हें अच्छे से रगड़ना है, ज़मीन की फर्श की टाइल्स रगड़ना है और फिर उसके बाद आप उसको गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, वो आपकी एकदम फर्श साफ हो जाएगी। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं, तो इसको भी हमें इस दिवाली साफ करना है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके खिड़की दरवाजे। खिड़की दरवाजों को भी साफ करना है इस दीपावली। देखिए, खिड़की दरवाजे सब साफ करते हैं लेकिन दीपावली का एक अलग ही महत्व होता है। दीपावली की सफाई हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, इस पे तो बहुत सारे ऐसे और निबंध भी हैं, तो हम लोग ने वो निबंध बहुत सारे लिखे हैं। तो अपनी जो खिड़कियाँ हैं उनको हमें कैसे साफ करना है, देखिए कांच की खिड़कियाँ हैं तो आपको क्या लेना है, पेपर लेना है और उसको बहुत अच्छे से साफ करना है। आपके पास कॉलिन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पेपर लीजिए, न्यूज़पेपर, उसमें थोड़ा सा पानी डालिए और अपने कांच के शीशों को, खिड़कियों को बिल्कुल चमका डालिए। ये तो हो गई आपके सिंपल दरवाजे खिड़कियाँ, लेकिन अगर आपकी स्लाइडर वाली खिड़कियाँ हैं जैसे कि मेरे घर में है, तो उसे आप कैसे साफ करेंगे, उसको भी आपको करना है, एक ब्रश ले लीजिए, ब्रश से आप सारा गर्दा बाहर साइड कर लीजिए और फिर झाड़ू से झाड़ दीजिए, क्योंकि ऐसी खिड़कियों की जो दरारें होती हैं वहाँ पे अक्सर कूड़ा भर जाता है तो वो डेली यूज में साफ नहीं हो पाता है। तो इस दिवाली हमको अपनी खिड़की और दरवाजों को भी एकदम अच्छे से साफ चकाचक करना है। पॉइंट है पंखे। जी हाँ, दीपावली में पंखे सब लोग साफ़ करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम पंखों को साफ़ नहीं कर पाते हैं। आप हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सारी सफाई करते हैं बट पंखा सभी लोग भूल जाते होंगे, फ़ैन जो है वो सभी भूल जाते होंगे, भूल जाते हैं कि नहीं कॉमेंट करके बताइएगा। तो इस दिवाली में आपको अपने घर के फ़ैन को साफ़ करना है। पहले आप सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए, फिर आप गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, उसके बाद आपका पंखा चक्का चक साफ़ हो जाएगा, यानी कि फ़ैन आपके साफ़ हो जाएंगे।
तो आपको अपने घर में जो गद्दे होते हैं उन गद्दे, चादर, तकिया, पिलो, ब्लैंकेट अगर आप अभी यूज़ कर रहे हैं तो उनको आपको अपनी धूप में दिखाना होगा, क्योंकि अभी बारिश गई है तो आपकी जो गद्दे तकिया हैं वो हल्की से स्मेल सी आ जाती है, बैड स्मेल आती है। तो आपको अगर धूप निकल रही है आपके शहर में तो ज़रूर इन सब चीज़ को पूरे दिन के लिए धूप में डाल दीजिए, जिससे आप उसकी जो बैड स्मेल है वो निकल जाए। लेकिन जो लोग मुंबई पुणे में रहते हैं, जिन जैसे मैं रहती हूँ, तो उन लोगों के लिए तो ये करना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई में अभी भी बारिश हो रही है। बट दिन में बहुत तेज़ धूप जब भी निकलती है तो आपको अपने कपड़ों को जो भारी हैवी होते हैं उन्हें धूप में दिखाना बहुत ज़रूरी है। किचन को तो साफ़ करते ही होंगे, लेकिन दिवाली की अगेन सफाई जो होती है वो दिवाली की ही होती है। तो किचन के आपको सारे जो डिब्बे हैं वो निकालने हैं, सामान निकालना है, साफ़ करना है, सुखाना है और फिर उसमें अपना सामान भर के रख देना है। तो आपको अपने किचन को नहीं भूलना है, किचन की सफाई भी ज़रूर करनी है। प्लेटफॉर्म वाला एरिया जो होता है उसे बहुत अच्छे से साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है उसमें कुछ गिर जाता है। हम डेली कपड़े से तो पोंछते हैं, बट हम स्कॉच ब्राइट यानी कि लोहे वाले रगड़ने वाले स्कॉच ब्राइट से नहीं रगड़ते हैं। तो आप गैस के नीचे भी बहुत अच्छे से साफ़ करना है और फिर उसको गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से पोंछ करके उसको एकदम अच्छे से रखना है। ऐसा करने में भी अगर मुश्किल आपको आधे घंटे से 40 मिनट लग सकता है, तो आपको अपने किचन को बहुत अच्छे से साफ करना होगा। साफ़ सफाई तो अपने आपने घर में कर ली है, अलमीरा भी जमा ली है, लेकिन उसके बाद अगर आप फिर इसको बार बार यूज़ करते हैं और वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन जो आपने किया है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि अभी दिवाली में है काफ़ी टाइम। तो इसके लिए आपको अपने घर में सबको बोल के रखना होगा कि जैसे भी आप जो सामान निकालते हैं वैसे ही जाके दोबारा रख दीजिए, चाहे वो आपके हस्बैंड हो चाहे बच्चे हों। बच्चे को भी आपको बचपन से ही सिखाना होगा कि बेटा आपने ये सामान उठाया है, आपको इसको उसी जगह पर जाके रखना है जहाँ से आपने इसको उठाया था। तो इससे भी आपका घर जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा। घर की जब सफाई करी तो आपको अपने घर के फर्नीचरों के नीचे ज़रूर क्लीन करना है। जाला झाड़ लिया आपने, डस्ट झाड़ लिया, लेकिन जो इसकी डस्ट है वो सब आपके फर्नीचर के नीचे चली जाती है, चाहे वो बेड हो, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो टेबल हो। तो आपको अपना झाड़ू लेना है और अपने सारे फर्नीचर्स के नीचे से अच्छे से क्लीन करना है, जिससे कि आपका जो घर है वो हमेशा नीट एंड क्लीन रहेगा और नीचे कोई भी निगेटिविटी एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ पर गंदगी होती है वहीं पर निगेटिविटी आती है। मैंने निगेटिविटी पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप उसको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो आपको अपने फर्नीचर के नीचे अच्छे से झाड़ू लगानी है, फिर उसके बाद मोप करना है यानी कि पोछा लगाना है। तो जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने घर को तो क्लीन करते हैं, एकदम कोना कोना साफ़ कर लेते हैं, लेकिन आप अपने घर के बाहर को ध्यान नहीं देते हैं। मतलब कि अगर आप खुद के घर में इंडिविजुअल घर में रहते हैं तो आप अपने घर के चारों तरफ जो है ध्यान नहीं देते हैं, पानी जमा होता है, गड्ढे में कचरा पड़ा होता है। तो अगर आप खुद नहीं क्लीन कर सकते हैं तो आप किसी को बुला करके उसे क्लीन करवा लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपके घर की जो सफाई है वो तो ठीक है, बट बाहर की जो गंदगी है वो उड़ करके आपके अंदर आएगी, कीड़े मकोड़े मच्छर बैठेंगे, वो मच्छर आपके घर में आएंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा आपकी सफाई से। तो घर के बाहर की भी सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट और लास्ट टिप है वो है एसी। देखिए, अभी तक चल रही थी बारिश का टाइम, तो बारिश में एसी नहीं चलता था, वो बंद पड़ा था। अब आपको क्या करना है, ठंड आ जाएगी, एसी फिर से बंद हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, अपने एसी को बंद करने से पहले बहुत अच्छे से क्लीन करना है, उसका जो फ़िल्टर है वो निकाल करके उसको क्लीन करना है। अगर आप चाहें तो आप बाहर से भी बुला करके सर्विस ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अपना एसी का फ़िल्टर साफ़ करना चाहते हैं तो आप वो घर पे ही कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इन्वेस्ट पैसा भी नहीं करना पड़ेगा और वो घर पे इजीली साफ़ भी हो जाता है। तो आप अपने घर में उसको साफ़ कर सकते हैं। एक बात और, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया है, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था शुरू शुरू में, तब मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर चेकआउट करिएगा। तो ये थे कुछ टिप्स और ट्रिक, जिससे कि आप इस दीपावली अपने घर को बहुत ज़्यादा नीट और क्लीन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी आपसे, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर, इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं फिनिश कर देती हूँ। मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय बाय। Oh.